राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेताम ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा को अपना त्याग पत्र सौंपा है। फूलो देवी नेताम ने अपने पत्र में 7 साल के कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए पद पर अब किसी अन्य महिला साथी को काम करने का मौका दिए जाने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहने की बात कही है। मैं पद से अपने मन से इस्तीफा दी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर दिया, हमेशा आशीर्वाद रहा, मार्गदर्शन रहा, जिसके चलते मैंने छत्तीसगढ़ में प्रदेश महिला कांग्रेस के रूप में 7 साल से काम किया है। ये मेरी किसी बहन को मौका मिले, जिसको भी हाईकमान ने महिला कांग्रेस के प्रति भेजेंगे, और निश्चित तौर पर उनके साथ मैं हमेशा खड़े रहूंगी, उनको भरपूर सहयोग करूंगी और एक टीम भावना से काम करेंगे।